यूं रंग जाना है रंग में, बाबा रामदेव के रंग में। यूं रंग जाना है रंग में, बाबा रामदेव के रंग में। रंग जाओ यूं सत्संग में, बाबा रामदेव के रंग में। यूं रंग जाओ रंग में, बाबा रामदेव के रंग में। रम जाओ सब सत्संग में, बाबा रामदेव के रंग में। रंग जाओ सब सत्संग में, बाबा रामदेव के रंग। सबसे बड़ा है मानव सेवा, अपने धर्म को जान, हो जाएगा कल्याण। लाल हरा घोड़ा वाला ने, लाल हरा घोड़ा वाला ने ले लिया सबको। बाबा रामदेव के रंग में। रम जाओ सब सत्संग में, बाबा रामदेव के रंग में। रंग जाओ सब सत्संग में, बाबा रामदेव के रंग में। मेरे राम पीर के रंग में, रंग जाओ सब सत्संग में, बाबा रामदेव के रंग में। रंग जाओ सब सत्संग में, बाबा रामदेव के रंग में। रंग जाओ सब सत्संग में, बाबा रामदेव के रंग में। रंग जाओ सब सत्संग में, बाबा रामदेव के रंग में। रंग जाओ सब सत्संग में। भगवान, ये क्या हो रहा है? मेरे राज्य में इतने सारे परेशानियां क्यों हैं? हे प्रभु, क्या निसंतान होना पाप है? जय हो महाराज की। क्या बात है कोयली? महाराज, मेरी एक बात मानोगे क्या आप? आप ना योगीराज के पास जरूर जाइए, वो सिद्ध पुरुष हैं, उनकी कृपा से ही मुझे संतान की प्राप्ति हुई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप उनके पास जाएंगे तो आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। चंडिके स्वाहा। अरे जिस देश में तेरे ऐसा निसंतान राजा होता है, उधर संकट ना आए तो और क्या होगा? निसंतान राजा धरती के लिए पाप और प्रजा के लिए श्राप है। योगीराज, अब आपके जप तप और शक्ति से मुझे और मेरी प्रजा को इस संकट में से बाहर निकाल सकते हो। तुम्हें तुम्हारे द्वारकाधीश पे बहुत भरोसा था ना, तो जाओ उसके पास। मेरे पास क्यों आए हो? योगीराज, आपको आपकी शक्ति पे बहुत अहंकार है ना, तो मेरी भी एक बात सुन लो।
मैं मेरी प्रार्थना लेके द्वारकापुरी जरूर जाऊंगा और वहां से मेरे द्वारकाधीश के आशीर्वाद लेके जरूर वापस आऊंगा। जो प्रभु मेरी पुकार नहीं सुनेंगे तो उधर ही मैं जल समाधि ले लूंगा, पर आपके पास कभी नहीं आऊंगा। द्वारकाधीश, हे द्वारकाधीश, हे मेरे भगवान, मेरे ऊपर दया करना। आज आपके सामने आपका ये दास भीख मांगने के लिए आया है। मेरे पर से कलंक निकालो प्रभु, मुझे संकट में से निकालो प्रभु, आप ही कुछ कर सकते हो प्रभु। प्रभु, मैं इतनी प्रार्थना कर रहा हूं और आप चुप हो। अरे निर्दयी कपटी छलिया, अब मेरी भी एक बात सुन लो। अगर आपने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी तो मैं आपके शीर सागर में ही जल समाधि ले लूंगा। उसके बाद कलंक का टीका आपके सर पर लगेगा, आपके सिर पर लगेगा। हे हे मेरे कृष्ण जी, रे दुनिया के मोह माया को छोड़ के आया मैं तुम्हारे पास। ले लो जी मुझे अपने शरण में। हे द्वारकाधीश महाराज भगवान जी। प्रभु, आपके सिर पर खून, ये तो भक्त के भक्ति का प्रसाद है। मुझे माफ करो प्रभु, मुझे माफ करो। मैं आपकी प्रजा की पीड़ा और आपका संकट समझ सकता हूँ। मैं आपके घर पे पुत्र बन के जन्म लूंगा। पर प्रभु, मुझे मालूम कैसे पड़ेगा? जब कुमकुम वाले पैर के निशान पड़ेंगे और पानी का दूध हो जाएगा। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। हे भाद्र मास में चंद्रमा चमके तुम्हारे सर पे। हे प्रभु जी, रामदेव का जन्म हो रहा है। हे प्रभु जी, आप रखना हमारी लाज। महाराज, महाराज, महाराज की जय हो। बधाई हो महाराज, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कुमकुम के पैरों के निशान दिखे, पानी का दूध हो गया? नहीं महाराज, आज ही वो समय है, पर अभी तक मेरे प्रभु नहीं पधारे। हे अंबर से एक तारा निकला और दिए जैसा चमक उठा। हे दोनों जुड़वा बच्चे को माता मृणाल देवी ने जन्म दिया। हे मेरे परमेश्वर, हे लीला करने को प्रभु जी है पधारे। लाल लाल पैरों के छाप लिए। ओ मेरे रामदेव जी, ओ मेरे रामदेव जी, ओ रामदेव जी, ओ। हे पानी को दूध बना कर देखो, अपना चमत्कार दिखलाया। बाबा रामदेव जी, ओ मेरे रामदेव जी, ओ बाबा रामदेव जी, मेरे रामदेव जी। द्वारकाधीश, आपका वचन रखने के लिए आप आ गए। जय हो द्वारकाधीश। रानी, मैंने प्रभु के पास तो एक ही संतान की इच्छा जाहिर की थी, पर भगवान कितने दयालु है, हमें दो दो संतान की प्राप्ति हुई। हाँ स्वामी, देखिए साक्षात बलराम और श्री कृष्ण की जोड़ी लग रही है। हे बड़ा है देव और छोटा राम देव, दोनों मिलके देखो कैसे करे चमत्कार। देव राम देव जी, हो बाबा राम देव जी, हो बाबा राम देव जी, हो बाबा राम देव जी। हे रामदेव की कृपा से देखो उनकी महिमा से।
से नदी नाला बारिश गिर गिर आए देखो गिर गिर आए देखो गिर गिर आए हो बाबा रामदेव जी हो बाबा रामदेव जी हो बाबा चमत्कार कैसा चमत्कार अरे किसी दासी ने इसका पुत्र उस राजा के सामने रख दिया होगा और राजा रानी खुश हो गए होंगे और राष्ट्र का खजाना लुटा रहे हैं चल चल तू भी जा मैं तो तुम्हारा सोना किसी और को दे देंगे सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई ऐसा लग रहा है और आप लोग इन बच्चों को भगवान का अवतार मान रहे हो और महाराज महाराज तो राज्य का खजाना लुटा रहे हैं आप इस तरह से भोले भाले मत बनो मुझे मुझे तो ये बच्चा जादूगर लगता है आ, 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 हे माँ के आशीर्वाद और पिता के प्यार से दोनों देखो देखो कैसे बड़े हो गए दोनों देखो देखो कैसे बड़े हो गए हो बाबा रामदेव जी हो बाबा रामदेव जी हो बाबा रामदेव जी बहुत बहुत मुबारक हो राजा साहेब ये मेरी तरफ से राजकुमार के लिए एक छोटी सी भेंट माँ ये घोड़ा तो मैं चलाऊंगा राजकुमार कपड़े के घोड़ों को कोई चलाता है भला माँ ये घोड़ा तो उड़ेगा ओ देखो रामदेव बाबा बड़े होके घोड़े पर सवार होके कैसे निकले दुनिया सारी देखो जय जय करते हैं देखो जय जय करते हो बाबा रामदेव जी 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 हे रोते हुए बालक को रामदेव निहारे देखो लावारिस बच्चे को कैसे गोद में उठाए देखो गोद में उठाए बाबा रामदेव जी बाबा रामदेव बाबा रामदेव जी बाबा रामदेव माँ 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 ये देखो मुझे एक झाड़ की डाली वैसे मिली है बेटा रामदेव ये किसकी लड़की है किसी की भी हो पर आज से ये हमारी है माँ ये झाड़ की डाली वैसे मिली है इसलिए मैं इसका नाम डाली रख रहा हूँ अभी ये हमारे साथ ही रहेंगी नहीं ये पाप की पोटली इधर नहीं रहेगी ये पाप की पोटली कैसे हो सकती है मुझे एक भी पाप आप बता सकते हो अरे तू कौन है जो मुझे पूछ रहा है ये जो पाप की पोटली नहीं है तो क्या पुण्य का पहाड़ है अरे जिसके माँ बाप का कोई पता नहीं है कुटुंब कबीला क्या है पता नहीं ये रस्ते की धूल ये पाप की पोटली तो क्या माथे का चंदन है बोल मुझे तो उसके माँ बाप का नाम बता सकता है तो बोल कौन है उसके माँ बाप जो अपने माँ बाप है रामदेव क्रोध मत करो योगीराज आप तो महाज्ञानी हो आप तो ये भी जानते हो कि ऊपर वाला आप मैं हम सब परम पिता परमेश्वर की संतानें हैं। अरे नादान बालक तू ऐसा बोल के उसके माँ बाप के गंदे काम को छुपा नहीं सकता समझे इसके माँ बाप इस लड़की को मिले ये कैसे हो सकता है मुझे तो एक गंगा की तरह एकदम पवित्र लगती है अरे मूर्ख तू ऐसी अच्छी अच्छी बातें करके लोगों की आंखों में धूल नहीं झोंक सकता मैं कहता हूँ कि इस लड़की को जगत में कोई नहीं अपनाएगा जिसको कोई नहीं अपनाएगा उसे रामदेव अपनाएगा ये डाली मुझे मेरे जान से भी प्यारी होगी रामदेव अजन क्या आप भी इस नादान लड़की की बातों में आ गए हो इसकी बातें तो मुझे भगवान की बातें लगती हैं। तो राजन तुम मेरी भी भविष्यवाणी आप सुन लो आज तुम इस नादान लड़के की बातों में आके अपना धर्म भ्रष्ट कर रहे हो आने वाले समय में तुम्हारा पूरा राष्ट्र बर्बाद हो जाएगा और तुम्हारे पूरे राष्ट्र का सर्वनाश हो जाएगा दीजिए माँ अरे नमस्कार नमस्कार नमस्कार
शक्कर ले लो शक्कर। अरे मीठी मीठी शक्कर भाई, अब शक्कर का कर देते हो? कर? कैसा कर? जो आप बेच रहे हो उसका बोल रहा। अरे भाई मैं तो नमक बेच रहा हूँ, ये नमक पे कभी कर होता है? जैसी आपकी भावना। आया बड़ा कर लेने वाला। नागर शेठ आप झूठ क्यों बोल रहे हो? रामदेव तो बड़े सिद्ध पुरुष है। चुप कर। अरे शक्कर ले लो शक्कर, शक्कर ले लो शक्कर, थोड़ा मैं चखने मीठी मीठी शक्कर। अरे लो लो चखो ना। दो 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 दो। अरे ये तो नमक है। नमक? अरे अरे ये क्या बोल रहे हो? अरे गलत बेचता है, मारो इसको। अरे मारो और मारो। अरे रुको, मारो मारो। मैं तो बर्बाद हो गया प्रभु, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरी गलती हो गई प्रभु, मुझे माफ कर दो प्रभु, मुझे माफ कर दो। पर याद रख, ऐसा झूठ कभी मत बोलना। अब से कभी नहीं बोलूंगा, कभी नहीं प्रभु। जाओ तुम्हें माफ किया। शक्कर से मीठा देखो मिश्री बना के, चमत्कार से देखो क्या क्या करे, देखो रामदेव, देखो रामदेव, देखो रामदेव, वो देखो रामदेव, देखो रामदेव, वो देखो रामदेव। बोलो रामदेव जी की जय। बोलो रामदेव जी की जय। रामदेव जी की जय। अरे बचाओ 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 बचाओ। अरे क्या हुआ? अरे राक्षस आ रहे हैं, भाग जाओ। आज इस राक्षस को मैं नहीं छोड़ूंगा। नहीं भाई नहीं, नहीं बेटा नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मैं जाऊंगा माँ, मैं जाऊंगा। नहीं बेटा रामदेव नहीं। पिताजी हमारे राजपूत का धर्म है, दुश्मन को सामने आता देख पीछे नहीं हटते। आशीर्वाद दो रामदेव। हो लोगों की पुकार सुन के रामदेव पधारे, देखो वो पहुंच गए बाली नाक की कुटिया में। बोलो रामदेव जय। हो बोलो 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 रामदेव जय। हो बोलो 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 रामदेव की जय। रुको बेटा, आप कौन हो? रामदेव। बेटा अब जल्दी से यहाँ से चले जाओ, नहीं तो राक्षस तुम्हें खा जाएगा। आप चिंता मत करो मुनिवर, मैं जिस काम के लिए आया हूँ वो पूरा करके ही जाऊंगा। तू तो एक बालक है। मैं बालक हूँ या राक्षस का काल, ये आपको अभी पता चल जाएगा। हे भगवान, ये कैसे धर्म संकट में मैं फंस गया हूँ। जा बेटा जल्दी मेरी झोपड़ी में छुप जा, ये तो राक्षस तुम्हें खा जाएगा। चलो चलो जल्दी जाओ बेटा, अंदर छुप जाओ। सो जाओ बेटा, सो जाओ। हे भगवान, इस बालक की रक्षा करना। इंसान खराब होते हैं, सब इंसान खराब होते हैं, इंसान खराब होते हैं, इंसान खराब होते हैं, इंसान खराब होते हैं, खराब होते हैं, इंसान खराब होते हैं। अरे दूर दूर तक तो इंसान नहीं दिख रहे हैं, नहीं तो मैं हूँ, मुझे खा जाओ। ए राक्षस आजा आजा। हे राक्षस आकर चद्दर खिसता रह गया, रामदेव इनको देख के मन ही मन मुस्कुराए। जय जय बाबा रामदेव जी, बाबा रामदेव जी, बाबा रामदेव जी, ओ जी बाबा रामदेव जी। हे देख के चमत्कार राक्षस घबराया, रामदेव को देख के भागा देखो राक्षस,
भागा देखो राक्षस, भागा देखो राक्षस। हो बाबा रामदेव जी, हो बाबा रामदेव जी, हो बाबा रामदेव जी। हे जैसे ही राक्षस रामदेव को मारने आए, वैसे ही उड़ के देखो लात मारे रामदेव, लात मारे। हो बाबा रामदेव जी, हो बाबा रामदेव जी, हो बाबा रामदेव जी। हे मार खा के राक्षस देखो कैसे धरती पे गिरा, काल बन के रामदेव छाती ऊपर चढ़ा, देखो छाती ऊपर चढ़ा। हो बाबा रामदेव जी, हो बाबा रामदेव जी, हो बाबा रामदेव जी। हे प्रभु, मैंने आपको समझने में बहुत बड़ी गलती की है, आप तो अवतारी पुरुष हो। प्रभु इधर दूर दूर तक पानी नहीं है, कुछ कीजिए प्रभु, आप कुछ कीजिए। हे साधु की बात पर विचार करके रामदेव ऐसा बड़ा समुद्र बनाया, ऐसा बड़ा समुद्र बनाया। Yeah.
गुणगान गाओ, धूम मचाओ, मौज मनाओ, रंग जमाओ, नाचो गाओ रे, खुशी के दिन आए, खुशी के दिन आए, खुशी के दिन आए, खुशी के दिन आए। सूरज आज उगे हैं रामदेव के रूप में, कैसे कैसे चमत्कार करे देखो रामदेव भूत बड़े। हे घन घन ढोल बजे रामदेव की जयकारा से गूंज उठे, रामदेव दुनिया में आकर देखो सबका उद्धार करे, देखो सबका वो उद्धार करे, देखो सबका वो उद्धार करे। कुछ भी कहो योगीराज, मुझे तो कभी कभी ये रामदेव ना चमत्कारी बाबा लगता है। चुप बैठ। अबे आप ही देख लो, कपड़े का घोड़ा उड़ाया, इतने बड़े बलशाली राक्षस को मार डाला, नमक को शक्कर बना दी। बस कर तुम्हारी ये बकवास, वो राक्षस तो उसके कर्मों से ही मर गया, उसमें उसने क्या चमत्कार किया है। उसको जो चमत्कार ही करने होंगे तो गाँव में जो अंधे लूले लंगड़े इंसान है उसे ठीक करके दिखाओ तो मैं मानू। देखो छोटा राम करे निष्पाप, सबका करे उद्धार, करे सबका कल्याण। हे रामदेव जी, रोगी का करे देखो कैसे इलाज। रोग व्याध देखो मिट जाए। हे बाबा रामदेव जी, जय हो रामदेव जी, बोलो रामदेव जी। कैसे नमस्कार करे देव रामदेव को, देव रामदेव को। हे बाबा रामदेव जी, जय हो रामदेव जी, बाबा रामदेव जी। हे घोड़े पे सवार देखो बाबा रेत कैसे जनता के दुख सुख देखे। रामदेव देखो कैसे आशीष देते संसार के लोगों को। रामदेव जी, बोलो रामदेव जी। डाली डाली, मेरा भाई कहाँ है? ये तो कोई दुखी इंसान की सेवा करते होंगे, आते ही होंगे। आज के इस रक्षाबंधन के दिन पर भी भाई बाहर है? शकुना। हाँ, भाई। ये लो बांधो राखी। हे बांध कर राखी देखो बहना कैसे मुस्कुराई रामदेव को। राखी की लाज
रखना मोरे भैया बेटा रामदेव। बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। क्या बात है पिताजी? तुम्हारी बहन शगुना का विवाह पक्का हो गया है। पुत्र नंदकुमार के साथ इसका विवाह संपन्न होगा। एकादशी का मुहूर्त निकला है। जय चंडिके। आइए आइए पधारिए योगीराज। आपको अपनी कुल की मर्यादा और मान सम्मान की परवाह नहीं है? राजा अजमल के साथ रिश्ता जोड़ के आपका धर्म भ्रष्ट कर रहे हो। आप ये कैसी बात कर रहे हो? उनके घर पे एक अछूत लड़की रहती है और उनका बेटा रामदेव अछूत के साथ उठता बैठता है, और ये बात तो सारी दुनिया को पता है। आप आपके लड़के का रिश्ता वहाँ बांधना चाहते हो? ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। मैं अभी के अभी अजमल जी के घर पे रिश्ता तोड़ने की खबर भेजता हूँ। अभी ये रिश्ता नहीं रहा। नहीं, उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। जैसे उन्होंने आपका धर्म भ्रष्ट किया है, वैसे ही भरी सभा में आप उनका अपमान करो, तभी मेरी इच्छा और आपका मान संपूर्ण होगा। तो ठीक है योगीराज, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं उसी वक्त वो रिश्ता खत्म कर दूंगा। रुक जाओ, ये शादी नहीं होगी। हाँ? अरे क्या हुआ समधी जी, हमसे कोई गलती हो गई है? गलती? बहुत बड़ी गलती है। इस लड़की को अपना कर आपने आपका धर्म भ्रष्ट कर दिया। हाँ? है वैसे तो इस लड़की में क्या खोट है? खराबी इतनी है कि आपने उसको अपना के राजपूत की शान पे पानी फेर दिया है। कौन है इसके माँ बाप? क्या है इसकी जात? जात? समधी जी, ये भी द्वारकाधीश की संतान है। अब मुझे आपकी कोई भी बात नहीं सुननी है। चलो बेटा, चलो यहाँ से। नहीं, आप ऐसे नहीं जा सकते हो। इस मंडप में से मेरी बहन की बारात वापस नहीं जाएगी। तुम कौन हो मुझे रोकने वाले? रामदेव, सगुना का भाई। ओह, वही रामदेव ना, जिसके माँ बाप को कोई पता ही नहीं है, जिसे कोई राजा के गोद में डाल के चला गया। ये वही अनाज सबके सामने खुद को कन्या के भाई कह रहा है। क्या बोल रहे हो समधी जी, ये तो मेरे आंखों का रतन, मेरा लाल, मेरे जीवन का आधार है। तो अपने लड़के को और अपनी लड़की को जीवन भर अपने साथ ही रखना। मैं तो अभी के अभी जा रहा हूँ। नहीं नहीं, आप यहाँ से मत जाइए, मैं चली जाती हूँ। नहीं डाली, अब तुम कहीं भी नहीं जाओगी। पानी अब सर पे चढ़ चुका है। या तो मेरी बहन को ले जाओ या फिर आपका सिर देके देखते कौन किसका सिर लेके जाता है। हो जाओ तैयार, मारो। ये कैसे हुआ? बस करो बापू, मंडप में आई हुई बारात वापस नहीं जाएगी। राजपूत धर्म के लिए मैं शादी करने को तैयार हूँ। Hey, अच्छा घर देख के बहना की शादी कैसे करवाए, देखो बाबा रामदेव। जय जय बोलो रामदेव जी, बाबा रामदेव जी, बाबा रामदेव जी, हो जी।
बहू का स्वागत करने की कोई जरूरत नहीं है। उस घर में हमारा बहुत अपमान हुआ है, उसका मैं तिल तिल बदला लूंगा। आज से ये लड़की इस महल में रानी बन के नहीं दासी बन के रहेगी। आओ महारानी आओ। बहू 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 भाभी अंदर क्या कर रही हो? बाहर निकलो। आई प्रणाम मां जी। ए बहू, ये क्या तेरे उठने का समय है? हाँ चलो उठ। उठती है क्या नहीं? घर का काम कौन करेगा, तेरा बाप? हाँ चल काम पे लग। अब तुम्हें इन गहनों की वैसे भी क्या जरूरत है? हाँ चल निकाल, जल्दी निकाल, दासियाँ गहने नहीं पहनती। चल उतार। अभी तू इस महल की रानी नहीं है, दासी है। दासी है तो अब उतार गहने। चल जल्दी उतार। उतारती है या नहीं? जल्दी उतार। दूसरा कड़ा भी दे दे, जल्दी कर। चल हार भी दे दे, बाद में रोना। मेरा मुंह क्या देख रही हो? चल जा अंदर, जा। माँ क्या हुआ? माँ ये सब क्या है? तू चुप बैठ, यहाँ जो मैं कहूंगी वही होगा। तू अंदर जा, कहा ना जा। ओहो, ये क्या है? द्रौपदी का चीर? अरे ये कुंडली की चित्रगुप्त की किताब है? ये तो एक ग्रह और दूसरा ग्रह दोनों एक साथ ही बैठे हैं, इसलिए आपके दोनों के नसीब में एक ही लड़का है। ये कैसे हो सकता है? अरे रतला, अगर तू चाहे तो सब कुछ होगा। असंभव, आप दोनों दो और वो अकेला एक। ये तो क्या कह रहा है रतला, वो बेचारा कहाँ है? अरे हमारे मन का मालिक तो तू ही है, ये मेरी कुंडली में। ये तुम क्या बोल रही हो लड़की? मेरे जैसे ब्रह्मचारी के पीछे क्यों पड़ी हो? मैं तुम्हारे ये चक्कर में नहीं आऊंगा। हाँ मैं यही देखना चाहती हूँ कि तू हमारे चक्कर में कैसे नहीं आता। अरे कहाँ जाएगा भाग के? अरे मर गए। हाँ? वहाँ बैठा है। चलो पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अरे मुझे छोड़ो, जाए तो। अरे अरे रत्ना, बचाओ। अरे अरे रुको ना, बचाओ। अरे अच्छे से पकड़ो। अरे भाग गया हमारे मन को लुभाने वाला, भाग भाग के जाएगा कहाँ? अरे तुझे मैंने पैर दबाने के लिए क्या कह दिया, तू तो सोई गई। काम चोर। क्या हुआ प्रभु? ऐसे ही सगुना की याद आ गई, मेरी छोटी सी बहन, उसके बिना ये घर सुना सुना लगता है। अरे कहाँ मर गई थी? चलिए कपड़े धो डाल, तेरा भाई यहाँ कोई दास दासी लेकर नहीं आया है। हाँ चलो।
महारानी। अभी के अभी इस सारे बर्तन मांझ डाल, क्या समझी? सुनिए ना दीदी, बहुत भूख लगी है मुझे, कुछ दो ना। काम काज तो कुछ करती नहीं है और खाने के लिए चाहिए। पहले ये घेहूं बीज डाल, बाद में ही खाने को मिलेगा। धीमे क्यों चल रही है? ऐसा कौन सा भारी घड़ा उठा लिया तूने? अरे माँ, इसके तो पाँव भारी है। ऐसी बात है? इसका मतलब ये दासी हमारे वंश का वारस पैदा करेगी। कल मुँह ही कही की। क्या चल रहा है? अरे तुम्हारे लिए तो ये तैयारी मैं कर रहा हूँ। रोज देसी घी के पकवान दिन में 8-8 बार खा रहा हूँ। ये तो देख ही रहा है। अरे इसको क्या देखते हो? देखना है तो मुझे देखो। मैं तो किधर भी तैयार हूँ। लो, ये तो कहता है कि दूध को चबा के खाओ। अरे दूध को चबाने की बात छोड़ो, अपनी शादी की कुंडली की बात करो। तेरी मेरी कुंडली तो तभी मिलेगी जब तू मेरे घर में छला छल भर के लेके आएगा घड़ा। अरे पानी निकालना तो गुरुजी के दाएं हाथ का खेल है। क्या कहा? अरे क्या बोला, क्या कर रहे हो? अगर मैंने ये हाथ से पानी खींचा तो तुम्हारा घड़ा तो क्या, इसका घड़ा भी भर जाएगा। तो ठीक है, छलका के बताओ। ये रहा कुआ, ये रही रस्सी और ये मेरा घड़ा। चलो अभी पानी भरते हैं। चलो चलो, परीक्षा की घड़ी है। चलो चलो। अरे मैं तो हूँ एक पंछी जो उड़ता उड़ता जाऊँ। चल पूरे दिन अब इसकी तरफ से हाँ कहने का समय आ गया है। अजी सुनते हो रतला? अरे क्या है, तुम्हें मैंने कितनी बार बोला है मुझे जाते वक्त मत रोको, अब बोल क्या हुआ? देखो तो जरा, दो पहलवान अंदर गिर गए हैं। इनको तुम्हारे जैसा पहलवान ही निकाल सकता है। अरे बाहर निकलो। अरे पर अंदर कैसे गिरा तू? मैंने कहा था लड़की की बातों में मत गिरो, जो लड़की के पीछे गिरते हैं वो कुएं में ही गिरते हैं। अरे अभी जाने दो, मुझे माफ कर दो। रुको रुको, मैं आता हूँ। धीरज रखो, धीरज रखो, जल्दी करो। अरे उसे पकड़ो, मैं खींच रहा हूँ। यहाँ से निकालो। मैं गिर गया। हम तो तुम्हें तभी पकड़ेंगे जब तुम शादी के लिए हाँ कहोगे। बोल, हाँ कहते हो कि नहीं? बताओ अब किस दिन शादी करनी है? अरे जाओ जाओ, शादी हो तुम्हारे साथ, मर जैसे तो कितनी लड़कियाँ आके चली गई। ए धोती खींच। अरे 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 अरे
जाने मत देना। बचा 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 रुक। अरे अरे शादी की तारीख तो पक्की कर। बचा बचा बचा। अरे कहाँ जा रहा है? बचा बचा बचा। रत्ला ऐसे नहीं कर सकता। रत्ला रुक। अरे रुक, धोती तो लेके जा। प्रभु, द्वारका दर्शन करने के लिए तुम्हें नहीं आना है? मेरे लिए तो आप ही द्वारकाधीश हैं। मेरी आंखें तो आपके दर्शन करके ही पावन हो जाती हैं। पर सगुना दीदी को द्वारका के दर्शन करा दो प्रभु, उसने द्वारका जाने की मन्नत मांगी है। हाँ, सगुना को संदेशा मैं पहुंचा दूंगा। पर बेटा, अब हमारा सगुना पर कोई अधिकार नहीं, अब तो वो पराया धन बन गई है। पर हाँ, सगुना ने जो मन्नत मांगी थी उसका क्या होगा? अब उसकी मानता तो द्वारकाधीश ही पूरी करेगा। भाई, मुझे द्वारका के दर्शन करा दो। ठीक है मेरी बहना। माँ जी, इतने साल हो गए मैं मायके नहीं गई, मुझे हमारे मायके जाने दो ना माँ। मायके? हाँ माँ, मेरे माँ बाप के साथ मुझे द्वारका जाना है। और ये भी कभी अपने ननिहाल नहीं गया। तू तो द्वारका चली जाएगी, पर यहाँ का कामकाज कौन करेगा? तेरी माँ? अरे माँ, अगर ये जाना चाहती है तो जाने दो ना बिचारी को, पर इसे एक बात कह देना, अगर जाएगी तो वापिस आने की जरूरत हाँ। नहीं, हम कोई दूसरी दासी ढूंढ ही लेंगे। नहीं नहीं। क्या नहीं नहीं? आ बेटा, मेरा मुँह क्या देख रही हो? जा अंदर, घर के काम पर लग जा। तड़पाए रे, याद तेरी आए रे भैया।
हे द्वारकाधीश, जय द्वारकाधीश। तथास्तु। जय द्वारकाधीश। शगुना, शगुना, तुम्हें समझने में अगर मुझसे कोई भूल हुई होगी तो मुझे माफ कर देना। नहीं नहीं स्वामी, अमर कोट की राजकुमारी हेतल आज मैं बदला लूंगा। अरियो, जात से चोर हूँ, लूट फाट करना पेशा है मेरा। पर ये मत भूलना कि मैं भी एक राजपूतनी हूँ। मेरी तरफ आंख उठाकर देखने वाले की मैं आंखें निकाल लेती हूँ। कायर, हिम्मत होगी तो कर सामना। मुझे माफ कर दो प्रभु, मुझे माफ कर दो। ठीक है, अबे उठ जाओ। तुम ये सब गलत काम करते हो, ये पाप किसके लिए करते हो? मेरे पुत्र और पत्नी के लिए, मेरे माँ बाप के लिए। बालक, पत्नी, माँ बाप, क्या तेरे पाप में वो लोग भागीदार है? क्या तुम्हारे पाप में तुम्हारी पत्नी भागीदार है? क्या ये पाप में तुम्हारे माँ बाप भागीदार है? अरे नादान नाई, ये पाप एक नरक की खाई है, इसमें कोई किसी के पाप के भागीदार नहीं होते। तुम्हारे कर्मों के फल तुम्हें ही चुकाने पड़ेंगे। अरे पंच तत्वों से बना हुआ ये शरीर खराब काम करने के लिए नहीं बने हैं, अच्छे कर्म करने के लिए बने हैं। प्रभु, आपने मेरी आंखें खोल दी, आंखें खोल दी। प्रभु प्रभु, आज से आप मेरे भगवान और मैं आपका दास, मैं आपका दास भगवान, मैं आपका दास, मैं आपका दास।
प्रभु। उठो, आज से मैं तुम्हें हरची भगत बुलाऊंगा। मैं अपनी लड़की का विवाह पोखरण के कुंवर के साथ करने का विचार कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात सोची है आपने, पर ये तो बताओ कि वो कुंवर है कौन? अरे रामदेव जी का लड़का, जिसने हमारी हेतल को हरजी डाकू के हाथ से बचाया था। हमारी हेतल जब ये बात सुनेगी तब कितनी खुश होगी।
गर्मी में बेला काका कैसी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। अरे उठ जाओ काका, लाओ इसे, मैं करता हूँ। ये आपका काम नहीं है। अरे काका, आप जरा इतना तो सोचिए, अगर मैं आपका पुत्र होता तो वो आपको ये काम करने देता? मुझे भी आपका पुत्र समझ लो। लाइए प्रभु, मैं खींच दूँ? नहीं डाली तो चलिए हम दोनों मिलकर खींचते हैं। काका, अभी आपके कुएं में कभी पानी की कमी नहीं होगी। अरे प्रभु का हाथ लगने से पानी तो धन्य धन्य हो जाएगा। तुवर जी। अरे क्या हुआ भाई, क्या हुआ, तुम बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। बात ही ऐसी है, आपकी शादी अमरगढ़ की हेतल के साथ पक्का हुआ है। तुझे क्या हुआ डाली, तुम क्यों खो गई हो? सगुना बहन तो पराई हो गई, अब आप भी पराये हो जाएंगे। डाली बिचारी अकेली रह जाएगी। डाली, तुम ये क्या बोल रही हो? तुम्हारा मेरा तो जन्म जन्म का साथ है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ। क्षमा कीजिए प्रभु, उसे भूल हो गई। मैं आपको अपने हाथों से दूल्हा बनाऊंगी। जाओ मेरे भाई जाओ, पवन सांगली को लेके जाओ और सगुना को साथ में लेके आओ। अभी जाता हूँ, घोड़े पे सवार होके अभी जाता हूँ। मैं सगुना बहन को लेके आता हूँ। अरे रतला जी, कहाँ जा रहे हो? एक तो मुझे देर हो रही है, तुम मुझे परेशान कर रही हो। अरे मुझे ऊंट पे बैठ के जाना है। अरे झोपड़ी में उस पे महल बना दूंगी, जो मेरे संग में लगन करे
लक्ष्मी की
लड़की की पैर की हड्डी टूट गई है, अब ये लड़की कभी भी चल नहीं सकेगी। महाराज महाराज, बारात आ गई। हाँ, अब क्या होगा? मेरी बेटी हेतल की शादी इस हालत में कैसे होगी? या फिर बारात वापस चली जाएगी? नहीं महारानी, बारात जो आई हुई है वो वापस नहीं जाएगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वर और कन्या फेरे के लिए खड़े हो जाइए। क्या हुआ समधि जी, कन्या खड़ी क्यों नहीं हो रही है? क्या आपने मुझे अंधेरे में रखा है? क्या बात है? क्या बोलूं कुंवर जी, बारात को देखने की उमंग में वो गिर गई, अब वो खड़ी नहीं हो सकती, चल भी नहीं सकेगी। कौन कहता है कि वो चल नहीं सकेगी? आप उनको उठने के लिए तो बोलिए। वरना नहीं तो हो जाएगा कोई अनर्थ। जय बाबा रामदेव जी, बाबा रामदेव जी, बोलो रामदेव जी, बाबा रामदेव जी। अरे सुना तुमने, रामदेव जी की बारात आ रही है, पूरा गांव पागल होके नाचने लगा है। मेरा शिष्य होके रामदेव के गुण गा रहा है तू? अरे किसकी बारात और किसकी शादी? अगर उनकी खुशियों को मैंने बर्बाद नहीं किया तो मेरा नाम योगीराज नहीं। मामा! अरे भाई की बारात आ गई, मेरा भाई आ गया। वहाँ देखो सांप जा रहा है। सांप? बेटा, बेटा। चलो चलो, अब मैं क्या करूँ? उठो बेटा, उठ मेरे लाल, उठ। माँ, ये क्या हो गया? अब मैं मेरे ससुराल वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी? बारात आ गई, मेरा भाई भाभी लेकर आए हैं। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? एक तरफ मेरे भाई की बारात दरवाजे पर आकर खड़ी है और यहाँ मेरे लाल की। अब भाई की आरती कौन उतारेगा? कौन उतारेगा? चलो रानी माँ, हमें ही जाना होगा। हाँ हाँ, अब ऐसे हालात में आपको ही करना होगा ना। चलिए। हाँ, चलो बेटा, बेटा उठो बेटा।
माँ, आपकी आंखों में आंसू? शगुना बेन किधर है? तुम्हारे भांजे को काले सांप ने काट लिया, अभी कभी नहीं उठ पाएगा। उसे कुछ भी नहीं हुआ, मैं उसे नहीं लेके गया इसलिए मैं उसे रूठ गया। भाणा भाई, ओ भाणा भाई, भाणा भाई, देखो आपकी मामी आई है, उठ जाओ, उठ जाओ मेरे भांजे, उठ जाओ। हे ध्यान करे, देखो बाबा रामदेव जी मन में जोड़ कर हाथ, आगे देखो नाग देवता, देखो रे देखो संसार। हे बच्चा के पास जब नाग देव आए, जहर चूस के बच्चे को बचाया, बोलो रामदेव की जय, जय रामदेव की, बोलो रामदेव जी, बोलो रामदेव जी। हे माता पिता देखो कैसे खुश होके बच्चे को शगुन दे के, देखो आरती करे, देखो आरती करे। हे बाबा रामदेव जी, जय हो रामदेव जी, बोलो रामदेव जी। चलो चलो भाभी का मुंह देखते। अरे हेतल भाभी, आपको भाभी मुंह तो दिखाइए। हमसे क्या शर्म, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मुंह तो दिखाओ। डाली बहन, अब आप ही मुंह खोलिए ना, हम तो कह कह के थक गए। आइए ना, आइए ना। वाह, ऐसा लगता है राजमहल में आज चांद उतर आया है। आपकी ये मृगनयन जैसी आंखें, मोती जैसे दांत, गुलाब की पंखुड़ियों की तरह ओठ, वाह, मेरे प्रभु के पसंद का जवाब नहीं। सदा सुखी रहो, आपकी जोड़ी अमर रहे। अरे हाँ? जी यहाँ पर आ गई ना, तो फिर से मुंह उठा के चल जा यहाँ से, जा। और लड़कियां चलो तुम भी निकलो यहाँ से, हेतल को थोड़ा आराम करने दो। हाँ। आपने ये क्या किया? अरे हेतल बेटी, तुम नहीं जानती, ये डाली तो तुम्हारे लिए काटा है, काटा, इसे संभल कर रहना, समझ गई ना? डाली बहन, डाली बहन, सबको उल्टिया हो रही है। हाँ? डाली बहन, पूरे गांव में रोग फैल गया है। रोग राय फैल गई, चलो। अरे बचाओ, 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 बचाओ। मैं रामदेव जी को लेकर आती हूँ, रामदेव जी को लेकर आती हूँ। आपने मेरा सपना पूर्ण किया, मुझे एक नया जीवन मिला, ये जीवन मैं आपको अर्पण करती हूँ। आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपकी दासी। आप तो मेरे दिल के करीब हो। कौन है? डाली। डाली? क्या हुआ डाली? क्षमा करना प्रभु, इतनी रात गई, आपको तकलीफ दी। पर तुम इतनी डरी हुई क्यों हो, बात क्या है? गांव में रोग फैल गया है प्रभु, सबकी जान खतरे में है। तो पहले क्यों नहीं बताया?
लेकिन प्रभु मैं अभी आपको ओ, समझ में आया। मनुष्य के जीवन से ज्यादा इस दुनिया में और कुछ महत्व नहीं रखता। चलो डाली चलो चलो जल्दी। देख लिया ना तुमने अपनी खुद की आंखों से, ये तो नागिन है नागिन। आज तो सुहाग रात है, खुद की बीवी को छोड़ के ऐसे कोई जाता है भला? सुहागरात एक मनुष्य के जीवन से बढ़कर तो नहीं ना, वो तो अपना मानव धर्म करने गए हैं। आप तो बहुत ही भोले हो। अरे ये डाली तो जादूगरनी है जादूगरनी, ये जानबूझकर रामदेव को तुम्हारे पास से ले गई। अभी देखना ये रात भर नहीं आएगा। मैंने तो तुम्हें सच बात कह दी, फिर मुझे मत कहना कि कुछ कहा नहीं। हाँ हे सजी हुई सेज को देखती रही दुल्हन, दुखियों की सेवा करने गए पति देव रामदेव जी। बोलो रामदेव जी, हे बाबा रामदेव जी, जय हो रामदेव जी, बोलो रामदेव जी। हे महामिलन की बीत गई रात, पति बने देखो जनता के सेवक नाथ, जनता के सेवक नाथ। हे बाबा रामदेव जी, जय हो रामदेव जी, बोलो रामदेव जी। हे जय हो रामदेव जी, बोलो रामदेव जी, जय हो रामदेव जी, बोलो रामदेव जी। हेतल भाभी कुंवर जी आ रहे हैं, आइए स्वामी। स्वामी हेतल, मुझे पता है तुमने मेरी बहुत राह देखी होगी, मैं आपकी भावना को समझता हूँ, पर मैं क्या करूं, लोगों की सेवा करना ये मेरा धर्म है। मुझे आप पर गर्व है स्वामी, आप थक गए होंगे, आइए विश्राम कीजिए। आइए स्वामी, अब मुझे आपकी सेवा करने दो। घड़ी घड़ी आज खेली कर सा जिला, मुझे अच्छा लगे।
कैसा लागे। अब नीचे आओ, चलो अब कपड़े उतारो। क्यों?
जाओ इसे पहनो। अरे ये तो शादी वाले कपड़े, मैं कैसे पहन सकता हूँ? तुम नहीं पहनोगे तो नहीं। हम तुम्हें पहना देंगे। चल बड़ी करते हैं शुरू। नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं बचाओ मुझे, नहीं बचाओ मैं। अरे अरे क्या कर रहे हो? अरे हे प्रभु, इस डाली को भूल तो नहीं जाओगे ना? दर्शन दो प्रभु, दर्शन दो। ए, इस दरवाजे के सामने आके फाड़-फाड़ कर क्या देख रही हो? अभी तुम्हारा जी नहीं भरा है? प्रभु को कितनी बार भी देखूं, तब भी जी नहीं भरेगा। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि प्रभु को आखिरी सांस तक देखती रहूं। अरे डाली, क्यों किसी के जीवन में जहर घोल रही हो? सुहागरात के दिन ही उसको उसका सुख नहीं लेने दिया और कुंवर जी को इतने दिनों तक साथ ले गई। अरे मैं तो कहती हूँ कि क्यों हेतल बहन के जीवन में आग लगा रही हो? जा यहाँ से। चली जाऊं? अरे ये महल तो मेरा मंदिर है और रामदेव जी मेरे देव हैं और मैं हूँ इनकी पुजारन, उनको छोड़कर कहाँ जाऊं? अरे पूजा और भक्ति का नाम लेकर तू सबकी आंखों में धूल मत झोंकना और ऐसा ढोंग करते हुए तू किसी और को दिखाना, मुझे नहीं। चल। आ, 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 जिस परमेश्वर ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया उन्हीं को छोड़कर चली जाओ। नहीं, मैं उनको छोड़कर नहीं जा सकती। मतलब तू सौतन बन के हेतल के जीवन को जहर बनाना चाहती है? नहीं, इस तरह का कलंक का काला दाग मेरी माँ पे मत लगाइए। त्रिजा सब कुछ सहन कर सकती है पर इसके चरित्र पर लगेला लांछन वो कभी नहीं सहन कर पाएगी। ये बात मुझसे नहीं सहन हो पाएगी। मैं यहाँ से चली जाऊंगी, चली जाऊंगी। चली जाऊंगी नहीं, तुझे अभी क्या भी निकलना होगा। चल यहाँ से। कैसे नहीं निकलती देखती हूँ मैं। चल चल। देखो कैसे देखो ठोकर खाए रे। जय जय बाबा जी, जय बोलो रामदेव जी, बाबा रामदेव जी, बोलो रामदेव जी। चलो ये काटा भी निकल गया। डाली, 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 डाली कहाँ है? डाली को देखा? डाली, डाली, कोई कुछ तो बोलो, डाली, 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 माँ, डाली किधर है? यहीं कहीं होगी बेटा। डाली, 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 अरे कोई तो मुझे कुछ बताओ, डाली कहाँ है? जवाब मैं देती हूँ, डाली तो चली गई। डाली चली गई? क्यों चली गई? कहाँ चली गई? डाली तुम्हारे और हेतल के बीच में दीवार बनकर खड़ी थी। आप लोगों के जीवन में वो आग लगाए इससे पहले मैंने ही उसे निकाल दिया। निकाल दिया? किससे पूछ के? ये करने का हक तुम्हें किसने दिया? जवाब दो। मुझे कौन कहने वाला है? मैंने तो इस महल का सुख और हेतल के भले के लिए सब कुछ किया है। भलाई नहीं, तुमने पाप किया है, पाप। डाली मेरे शरीर का आत्मा है, तुमने डाली को नहीं मेरे आत्मा को मेरे से दूर किया है। निकल जाओ, चली जाओ मेरी नजरों से दूर, जाओ जाओ। जहाँ डाली नहीं वहां रामदेव भी नहीं। रुकिए, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। क्यों? आप पर
मेरा भी कोई अधिकार है। तो अधिकार तुमसे कौन छीन रहा है? डाली, तुम ये क्या बोल रही हो? आपके मन में ऐसी बात आई ही कैसे? मुझे आपके पास से ऐसी आशा कभी नहीं थी। क्यों? मेरे शरीर में हृदय नहीं? क्यों? मेरे मन में कोई भावना नहीं? मेरे हृदय में तीर चले और मैं चुप रहूं? जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। आप तो मेरे धड़कन हो, मेरा प्यार हो। और डाली? डाली मेरी श्रद्धा है, भक्ति है। Thank you.
जय 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण जय 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण जय 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण हरि 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 राधे राधे कृष्ण हरि 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 राधे राधे कृष्ण जय जय गोपाल जय 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 राधे कृष्ण जय जय गोपाल जय 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 राधे कृष्ण जय जय गोपाल जय 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 राधे कृष्ण। बंद करो ये ढोंग। भजन सत्संग करवाना ये कोई ढोंग कहलाता है योगीराज? चुप करो छोरी, मेरे सामने बोल रही हो। बोल तो आप रहे हो महाराज, हम तो भजन गा रहे थे। भजन? और वो भी रामदेव के? वो क्या भगवान है? हाँ, वो मेरे भगवान है और मेरे प्रभु है। तेरे प्रभु है? हाँ। सुना आप लोगों ने, एक साधारण मनुष्य को भगवान मान के इन लोगों ने धर्म भ्रष्ट किया है। इस ढोंगियों को मार मार के गांव में से भगा दो। देख क्या रहे हो, मारो इनको, मारो मारो। अरे बचाओ, अरे भगवान, ये सब क्या हो गया? अरे बचाओ, अरे हे भगवान, ये सब क्या हो गया? अरे कोई तो बचाओ। अरे ये सैनिक भी ना, जाओ। रुपया, खुद की जात को भगवान बता के सबसे पूजा करवा रहा है? सब भोले भोले इंसान को तू भ्रमित कर रहा है। तुझे छूत अछूत ऊंच नीच का जरा भी भान नहीं है। अरे ढोंगी, मैं तुम्हें देख लूंगा और तुम्हें मार मार के इस गांव से भगा दूंगा। नहीं तो मेरा नाम योगीराज नहीं, समझा क्या? जय चंडी के। आप धन्य हो अंजीरबा, आप धन्य हो। आप हिंसा के वक्त भी अहिंसा लेकर चले, मुझे ये देख के बहुत खुशी हुई। आपका ये संत स्वरूप देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। ये तो आपकी भक्ति का पुण्य प्रताप है। डाली डाली डाली, रुक जाओ डाली डाली डाली, तुम मुझे छोड़ के कहाँ जा रही हो? मैं आपको छोड़कर कहाँ जा रही हूँ? आप तो हरदम मेरे अंतरात्मा में रहते हो। मतलब? ये देखो, ये रहे मेरे भगवान। डाली, ये आप ही का रूप है प्रभु। डाली, तुम मेरे से दूर जाने का सोच रही हो? नहीं प्रभु, मेरा मन तो हमेशा आपके साथ ही जुड़ा हुआ रहेगा। तभी तो आपका नाम लेकर अलग अलग जगह पर जाना चाहती हूँ। पर तुम अकेले नहीं जा सकती। मैं अकेले कहाँ हूँ प्रभु, मेरे साथ है मेरे राम। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ डाली, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। हे प्रभु, आप मेरे साथ नहीं आ सकते। क्यों, मुझे कौन रोकेगा? मैं। पर क्यों? हेतल दीदी को छोड़ने का आपको कोई अधिकार नहीं। पर मैं किधर संन्यास ले रहा हूँ? मैं एक नया नगर बसाऊंगा जहां मानव धर्म की स्थापना होगी, जहां छोटे बड़े का कोई भेदभाव ना हो, सब एक साथ मिलकर रहे। चल डाली, जहां तू वहां मैं। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। बेटा रामदेव, रामदेव बेटा, तुम मुझे छोड़ के ऐसे नहीं जा सकते बेटा। तुम्हारी माँ तुम्हारे बारे में सोच सोच के रो रही है, वो और भी दुखी हो जाएगी बेटा। तुम्हारे बिना ये नगरी सूनी हो जाएगी बेटा, वापस आ जा। नहीं पिताजी,
आप मुझे ना रोकिए। मैं जो शुभ काम की आशा लेके जा रहा हूँ उसके लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। बेटा, अब मैं तुम्हें रोकूं तो कैसे? बेटा, बेटा, मेरे आंखों का तारा, जा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा है। जा बेटा। एक सपना का नगर बनाओ, प्रभु राम देव की मन की इच्छा। हे, जैसे ही राम देव काम करने लगे, ऊंच नीच जात भात सब दूर भागे, देखो सब दूर भागे। जय बोलो राम देव जी, बाबा राम देव जी, बोलो राम देव जी। हे, गांव में जैसे ही पांच फकीर आए, राम देव उन सब को भोजन कराया। जय जय बोलो राम देव, जय बोलो राम देव जी, बाबा राम बोलो राम देव जी। हो, खुद ना खाए पर दूसरों को खिलाए, राम देव के दर्शन भाग्यवान पाए। हाँ हाँ, भाग्यवान पाए। जय बोलो राम देव जी, बाबा राम देव जी, बोलो राम देव जी। हे, फकीर खुश होके दिए आशीष, राम देव ने दर्शन दिए, दिए सबको आशीष। जय बोलो राम देव जी, बाबा राम देव जी, बोलो राम देव जी। अब कैसा लग रहा बहू? नहीं, जिनकी रातों की नींद और दिन का आराम लुट गया हो, उनको कुछ अच्छा नहीं लगता। रानी जी, बहू बेटी को कहो, पति तो परमेश्वर का रूप होता है पत्नी के लिए। मेरे बेटे ने अगर तुम्हें कुछ बुरा भला कहा होगा तो वो विचार मन में मत लेना और उनके पास चले जाओ। नहीं माँ, मैं भी एक राजपुतानी हूँ, मेरी भी एक जिद है कि वो मुझे छोड़कर चले गए, जब वो बुलाएंगे तभी मैं जाऊंगी, तभी मैं जाऊंगी माँ। अर्जे भगत। आदेश प्रभु। आज मेरा सपना पूरा हुआ। कल से मेरे नगर के दरवाजे छोटे बड़े ऊंच नीच सबके लिए खुले हैं, आप उन्हें खुला रखना। हाँ प्रभु, कल आपका राज्याभिषेक है। नहीं, ये राज्याभिषेक नहीं हो सकता। रानी बगी राजा का अभिषेक अधूरा होता है। मैं आपकी भावना को समझता हूँ डाली, लेकिन फिर आप अपने कर्तव्य को क्यों भूल गए हैं प्रभु? डाली, तुम वर्तमान की बात कर रही हो, मैं भविष्य को देख रहा हूँ। मैं जानती हूँ प्रभु, मैं वही डाली हूँ जिसकी वजह से एक फूल उसकी डाली से अलग हुआ। आप मुझे इजाजत दो तो मैं हेतल बहन को ले आऊं। तुम्हारी बात कौन टाल सकता है डाली? प्रभु, हेतल बहन को डाली का प्रणाम। डाली बहन, अब आप यहाँ क्या लेने आई हो? आपको, मुझे, पर किस लिए? प्रभु ने आपको याद किया है। आज इनको मेरी याद किस तरह से आ गई? आपकी याद तो इनके हृदय में हमेशा से है।
सूरज उसके किरणों से और चांद उसकी चांदनी से दूर कैसे रह सकता है? मैं जानती हूँ वो आपको बिना कुछ कहे चले गए, इस बात का आपको बहुत ही दुख है। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मैं उनकी याद में ऐसे ही जिंदगी बिता दूंगी। नहीं हेतल बहन, ऐसे मत बोलो, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे साथ चलो, आपके बगैर उनका महल सुना है, रामदेव जी का रोम रोम सुना है। डाली बहन, हाँ सच बोल रही हूँ। नहीं डाली बहन, अगर आप नहीं आए तो उनका शुभ कार्य अधूरा रह जाएगा। नहीं, अगर आप नहीं आए तो नवा नगर की प्रतिष्ठा नहीं हो पाएगी। नहीं, अगर आप नहीं आए तो रामदेव रडुजा के राजा नहीं कहलाएंगे। आज ये डाली उनके प्रभु के लिए झोले फैलाकर भीख मांग रही है, आप मेरे साथ चलिए। रानी बहन, वो मेरे प्रभु है और आपके स्वामी, आप उन्हें तन मन से प्रेम करते हैं और मैं अंतर मन से उनकी भक्ति करती हूँ। मेरी भक्ति, मेरा विश्वास मुझे यहाँ तक ले आया है, मेरे प्रभु की इज्जत रखना। बस डाली बहन बस, आज तुमने मेरे आंखों पे से पर्दा उठा दिया, आज मेरी आंखें खुल गई। मैं अभी आती हूँ, मैं आती हूँ, चलो। हे राज सिंहासन में सज रहे दोनों, राजा रामदेव के माथे तिलक सजे। जय बोलो रामदेव जी, बाबा रामदेव जी, बोलो रामदेव जी। हमें डर नहीं है, हमें दुख नहीं है, प्रभु राम जी रामदेव जप जाओ। हमें डर नहीं है, हमें दुख नहीं है, प्रभु राम जी रामदेव जप जाओ। हे खुशी मनाओ, रंग जमाओ, धूम मचाओ, रंग बरसाओ, मेरे रामदेव सबके रखवाले, मेरे रामदेव सबके रखवाले। महाराज, अब मुझे आज्ञा दीजिए। आज्ञा? किस बात की? अब मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। किधर? आपकी भक्ति का लोगों में प्रचार करने के लिए, घर घर आपके आदर्शों की बात पहुँचाने, आपके सत्य धर्म की सफेद ध्वजा फड़काने। वो तो वैराग्य का मार्ग है डाली, और तुम्हारी ये उम्र उसकी अनुमति नहीं देती। वैराग्य और उम्र का क्या संबंध है प्रभु? जब 8 बरस का रामदेव जी भैरव राक्षस का संहार करता है तो 20 बरस की डाली वैराग्य क्यों नहीं ले सकती? त्याग की भावना तो मैं आपसे ही सीखी हूँ प्रभु। डाली बहन, अगर मुझसे कुछ गलती हो तो माफ कर देना। नहीं डाली बहन, नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगी, कहीं मुझसे तो कभी भूल नहीं हुई ना। आपसे तो सपने में भी कभी भूल नहीं हो पाएगी, आप आपके कृष्ण की राधा हो। अगर मुझसे ही कोई भूल। नहीं नहीं डाली बहन, ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो। आज्ञा दीजिए प्रभु, जीवन के अंतिम क्षण पर मैं आपके दर्शन करना चाहूंगी, बस।
यही इच्छा लेकर जा रही हूँ। डाली, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। जय चंडी के, अगर उसने ये सब किया है तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। राजा भले ही अजमल होगा पर शासन तो मेरा ही चलेगा। तिल तिल का बदला लूंगा मैं, जिसने भी रामदेव के गुण गाए हैं सबसे बदला लूंगा मैं। अरे बचाओ बचाओ बचाओ, हमें कोई बचाओ, 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 हमारे घर अरे बचाओ, अरे नहीं, अरे बचाओ, मेरा घर, अरे मेरा घर, मेरा बच्चा, बचाओ, अरे कोई पानी डालो, जल्दी से पानी डालो, अरे बचाओ, मेरी आग फैल रही है, जल्दी देखो, जाओ, बचाओ। महाराज, योगीराज ने मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए हैं, इसलिए महाराज हम आपके शरण में आए हैं। सबका पानी भी रोक दिया, हमारे घर पर चला दिए महाराज। कुछ करो महाराज, कुछ करो, मंदिर के दरवाजे खोलो महाराज, हमें बचा लो महाराज, हमें बचा लो। मैं रामदेव आज इस बात की प्रतिज्ञा करता हूँ, जब तक तुम्हें तुम्हारा अधिकार नहीं मिलेगा तब तक मैं पानी भी ग्रहण नहीं करूंगा। अजय भगत जी महाराज, सब पोखरण के लोगों को बता दो कि जिसको भी देवी दर्शन के लिए आना होगा वो तुरंत चला आए। ओम रेम क्लेम चामुंडाय विजय नमः। महाराज, योगीराज ने मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए हैं, इसलिए महाराज हम आपके शरण में आए हैं। सबका पानी भी रोक दिया, हमारे घर पर चला दिए महाराज। कुछ करो महाराज, कुछ करो, मंदिर के दरवाजे खोलो महाराज, हमें बचा लो महाराज, हमें बचा लो। चलो भक्त जनों, आगे बताना रामदेव, नहीं तो तुम्हें भस्म कर दूंगा। तो और तेरी ये हिम्मत, तू दरवाजा खोल के मंदिर में आया? योगीराज, जात पात कोई नहीं पूछता, सब लोग हरि के लोग हैं। तेरे उपदेश तेरे पास ही रखना, तुम इस शास्त्र का अपमान कर रहे हो। ये शास्त्र किसी को भी भगवान के पास जाने से नहीं रोक सकता, ऊंच नीच तो तुम्हारे जैसे लोगों के मन में होता है। रामदेव, तुम मेरे सामने छोटा मुंह बड़ी बात कर रहे हो, मेरे मंदिर में आके मुझे उपदेश दे रहे हो, चले जाओ यहाँ से। शांत योगीराज शांत, क्रोध मत करो, क्रोध ये लोगों के लिए हानिकारक होता है। आपके जैसे सिद्ध पुरुष को तो दया भाव रखना चाहिए। दया भाव, और वो भी तुम जैसे ढोंगी के लिए। धर्म के नाम पे तुम तो काला धब्बा हो, धब्बा। धर्म के नाम पे मैं काला धब्बा हूँ, ये बात मुझे आपके पास से ही सुनने मिली। मैं तो बस इतना ही जानता हूँ, संसार के सभी लोगों से प्रेम करते रहो, वही असली धर्म है। बस बहुत हो गया, अब तुम तुम्हारे लोगों को लेके यहाँ से चले जाओ। वो नहीं हो सकता योगीराज, मैं मेरे लोगों को देवी दर्शन करा के ही रहूंगा। आ जाओ भक्तो। रुक जाओ, उधर ही खड़े रहो। तो क्या अछूत है? तुम मुझे छूत अछूत की बात बताओगे? अरे मैं इस मंदिर का मालिक हूँ। आप इस मंदिर के मालिक होंगे पर भगवान नहीं। तो क्या तुम भगवान हो? ये तुम्हारे द्वारकाधीश का मंदिर है। योगीराज, मुझे तो इस देवी के रूप में भी द्वारकाधीश ही दिखाई दे रहे हैं। जय द्वारकाधीश। जब भी रामदेव पे संकट आए, द्वारकाधीश के पास रामदेव जी आए। जय बोलो रामदेव जी, बाबा रामदेव जी। जय बोलो रामदेव जी, बाबा रामदेव जी। बोलो रामदेव जी। ये ढोंग है, छल कपट है, ये खोटी माया जाल है। मैं ये मूर्ति को तोड़ के अभी फेंक दूंगा। हाँ।
पापी पछताए। जय बोलो रामदेव जी बाबा रामदेव जी बोलो रामदेव जी। जय बोलो रामदेव जी बाबा रामदेव की बोलो जय हो बाबा रामदेव की जय हो बाबा रामदेव की जय हो। ना कोई ऊंचा समय हो गया है। सच कहा है तल, अब इस धरती पे मेरा समय पूरा हो चुका है। हाँ? अब मैं समाधि लूंगा। समाधि? नहीं स्वामी, नहीं, मैं भी आपके साथ समाधि लूंगी। नहीं रानी, नहीं, आपको यही रहना है और मेरी जलाई हुई ज्योत को हमेशा जगा के रखना है। ये मेरा तुम्हें आदेश है। नहीं स्वामी, नहीं, नहीं बेटा। माँ, आप आपके आंसू पोंछ दो, मुझे जाना ही पड़ेगा। ये मेरा नहीं, भगवान ने बनाया हुआ संदेश है। बेटा रामदेव। पिताजी, आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे पे रखिएगा। आपने आपके कर्तव्य का पालन किया है, मैंने मेरा धर्म निभाया है, मुझे आशीर्वाद दीजिए। भाई, भाई, मेरे भाई, ये आपने क्या सोचा? अब मैं किससे बातें करूंगी, किससे राखी बंधाऊंगी, बताइए भाई। रोना मत बहन, रोना मत। मुझे सबका त्याग करना होगा और मुझे इस बंधन से दूर जाना होगा। मेरी बहन, एक दिन सबको जाना है और अब मेरे जाने का समय हो गया है। नहीं भाई, ऐसे मत करो भाई। नानी है तल? नहीं, मत रोइए। भावना से कर्तव्य बड़ा होता है और आपको पता है विदाई करने का सौभाग्य तो बहुत सारी रानियों को मिला है, पर मोक्ष के राह पर पति की विदाई करने का सौभाग्य सिर्फ तुम्हें ही मिला है। इन आंसुओं से मेरा मार्ग मत रोकिए, मत रोकिए स्वामी।
युद्ध के लिए विदाई देने वाले राजपुतानी को एक आशा तो रहती है, पर मैं नहीं रानी, नहीं। मोह माया का त्याग करके मुझे हंसते हंसते विदाई दीजिए, वही मेरी इच्छा है। और मेरी इच्छा पूर्ण करना आपका कर्तव्य है, कर्तव्य है। प्रभु प्रभु हरजी भगत, आपने मुझे अहिंसा का मार्ग तो बताया, डाकू में से अच्छा बनने का मार्ग बताया, और अब आप ही मुझे छोड़ के हमेशा के लिए जा रहे हो। जॉब चले जाओगे तो मुझे इस संसार में धर्म का मार्ग कौन बताएगा प्रभु? धर्म का मार्ग कौन बताएगा प्रभु? कौन बताएगा? अर्जी भगत, ये संसार तो एक मेला है, जो इधर आता है उसे एक ना एक दिन वापस जाना ही होता है। आज मेरा समय भी पूर्ण हो गया। ये लो धर्म कर्म की ध्वजा, मैं आज से आपको दे रहा हूं। ये लो भगत राज, लोगों में सेवा धर्म का संदेशा पहुंचे और ऊंच नीच का भेदभाव हमेशा के लिए खत्म हो जाए, यही मेरी इच्छा है। माफ करो माफ करो मुझे प्रभु, प्रभु मुझे माफ करो मुझे माफ कर दो प्रभु, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ प्रभु, मुझे माफ करो। मैं पापी हूँ प्रभु, मैं पापी हूँ, मुझे माफ करो। उठो योगीराज, प्रभु आप धन्य हो प्रभु। बोलो बाबा रामदेव की जय हो, बाबा रामदेव की जय हो। हे पूरा हो गया अब रामदेव जी का काम, आंखों में आंसू लिए जा रहे हैं अपने धाम। जय बोलो रामदेव जी, बाबा रामदेव जी, बोलो रामदेव जी। अच्छे अच्छे काम, अमर हो जाएगा दुनिया में नाम तेरा, दुनिया में नाम। जय बोलो रामदेव जी, बाबा रामदेव जी, बोलो रामदेव जी। हे कोई यहाँ छोटा नहीं, कोई यहाँ बड़ा, कोई नहीं कोई यहाँ नीचा। बोलो जय जय बोलो जी, जय बोलो रामदेव जी, बाबा रामदेव जी, बोलो रामदेव जी। रुकिए महाराज। डाली रुक जाइए महाराज, आपके पहले मैं समाधि लूंगी। क्यों? वक्त खुद के भगवान को किसी भी दिन खुद के आंखों से ओझल नहीं होने देता। मैं मेरे प्रभु के दर्शन मेरे जीवन के अंतिम श्वास तक करना चाहती हूँ। आपसे पहले मैं समाधि लूंगी बाबा, ये समाधि मेरी है बाबा। डाली
ये समाधि आपकी कैसे हुई? हाँ बाबा, ये अधिकार मुझे मिलना चाहिए। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो यहाँ देखिए, आपको सिंदूर, आईना और चूड़ियाँ मिली, तो ये समाधि मेरी। जैसे आपकी इच्छा। तुम्हारी भक्ति की शक्ति को मैं पहचान नहीं पाया। आज भी तुम जीती और मैं हारा। प्रभु, बोलो डाली बाई की जय। बोलो डाली बाई की जय। बोलो डाली बाई की जय। प्रभु, पर डाली, मेरी समाधि का स्थान किधर है? प्रभु, आप तो अंतर्यामी हो, फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हो। यहाँ आपके चरण पादुका है, तो वही आपका समाधि स्थान होगा। दुनिया में नाम, जय बोलो रामदेव।